एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 10 प्लस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हिंदी में मैं लास्ट लेक्चर ले रहा हूं। लगभग 3 महीने आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो नए विद्यार्थी फिर से जुड़ना चाह रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं और सभी विषयों को कवर कर रहे हैं, सबसे बेस्ट प्लान टीम परीक्षा प्लस आपके लिए लेकर चला रही है, जिनमें 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत हम आपको दिन भर में 3 से 4 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। उन सभी के PDF, ठीक है, एक नोट्स के फॉर्म में बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करके आपको देते हैं, जिससे कई विषय आपके एक साथ कवर होते रहते हैं और वह भी नाम मात्र के शुल्क में 499 रुपीज में 3 महीने का प्लान है आपका। मतलब एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने तक आपको जितनी भी क्लास टीम के प्लेटफॉर्म पर चलेगी उन सभी की PDF आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जितना 3 महीने के अंत में हम आपको जितना 3 महीने तक पढ़ा देंगे उसके अंत में सभी की कंबाइन PDF दे देंगे, ताकि आप प्रिंट कराना चाहें तो उतना प्रिंट करा सकते हैं। इसमें डेली बेसिस पर आपको वीडियोज, उनकी PDF और साथ ही साथ क्विज जो है दी जाती है, जिससे कि आप पढ़ाई के साथ रिवीजन और साथ ही साथ प्रैक्टिस तीनों पर बरकरार रखें अपने आप को, और एकदम दमदार अभ्यर्थी की तरीके से जब रण के क्षेत्र में उतरे तो वहां विजयी हों, ठीक। इसके लिए आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है। परीक्षा प्लस ऐप पर फिर से नए मंथ के जो है सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू हो चुके हैं, तो अगले 3 महीने के लिए आप जुड़ सकते हैं। अगर पुराने अभ्यर्थी हैं तो आप रिन्यू भी करा सकते हैं जब आपको बोला जाएगा। तो चलिए भाई बढ़ते हैं, आज अंतिम लेक्चर में ले रहा हूं हिंदी में। तो हिंदी में आज का जो आपका ये अंतिम व्याख्यान है, यह संबंधित है, इससे पहले भी मैंने बताया था कि आपके SSSC में जो आपका पाठ्यक्रम है SSSC का, इस पाठ्यक्रम में यह एक पॉइंट सबसे अंत में जोड़ता है, उसको इसने नाम क्या दिया है, नाम दिया है हिंदी भाषा, और फिर इसी के साथ जोड़ दिया है साहित्य का इतिहास। तो आज 2 चीजों को हम देखेंगे, ठीक है, साहित्य क्या, इतिहास। इसी में हिंदी में यह जोड़ देता है, मतलब बोलियों को भी इसने जोड़ा है, बोलियां उत्तर प्रदेश से जोड़ा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रमुख बोलियां, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रमुख बोलियां। ये 2 पॉइंट आज हम इनको कवर करेंगे। अब ये 2 पॉइंट देखने में तो छोटे हैं भैया, लेकिन हैं अपने आप में बहुत बड़े। इन दोनों को जो कवर करना है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रमुख बोलियां जो है, तो इन्हीं सब पर आज हमें परिचर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहां से, जो आपका हिंदी भाषा रही, हिंदी भाषा में कैसे क्या चीजें शुरुआत होती है, इन सभी को कवर करेंगे। उसके बाद साहित्य में भी जाएंगे, साहित्य में तो बहुत बड़ी चीजें हो गई, क्योंकि यहां से जो प्रश्नों का इन दोनों को मिलाकर अगर प्रश्न देखें तो जो आपके मान लीजिए टोटल अगर प्रश्नों की संख्या 25 है तो 2 से 3 प्रश्न यहां से आपके बनते हैं, ठीक है। एक प्रश्न भी आ सकता है और 2 से 3 प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब रचयिता, रचनाकार, उपन्यासकार, ठीक, लेखक, इन सभी से संबंधित एक सवाल हो जाता है, और एक आपका विशेष चाहे बोली से पूछ लेगा या हिंदी भाषा से पूछ लेगा, इनसे एक सवाल आपका पूछ लेता है। तो 2 से 3 प्रश्न आपका आज, ये लगभग अंतिम स्टेप हम लोग हिंदी का कवर कर रहे हैं। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में भाषा आप सारे लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली तो बात आती है कि जैसे आप लिखा देखते हो, एक चीज पर दिमाग दौड़ाओ, आप लिखा देखते हैं हिंदी, फिर मैंने लिख दिया हिंदी, और फिर मैंने लिख दिया हिंदी। इनमें से हिंदी आपकी कौन सी शुद्ध होगी, सबसे पहले तो इस पर दिमाग चलाइए, हिंदी इनमें से कौन सी आपकी शुद्ध है, ठीक। हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा, जैसे ये भी आपकी शुद्ध है, ये भी आपकी क्या हो सकती है, शुद्ध हो सकती है, लेकिन जो हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, मानक मानकीकरण देखते हैं, उनमें जिस पर लगी है बिंदी वही है आपकी हिंदी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिस पर बिंदी लगी होगी वही हिंदी का आपका शुद्ध रूप होता है, और हिंदी जो शब्द है यह स्वयं हिंदी भाषा का शब्द नहीं या फारसी भाषा का शब्द है। इस चीज को दिमाग में बनाए रखिएगा, हिंदी जो आपका शब्द है या फारसी भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। तो 2 पॉइंट सबसे पहले आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं भाषा। देखो भाषा भैया क्या है, भाषा एक माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपने आचार विचार को एक दूसरे से साझा करते हैं। हमारे मन के अंदर जैसी चीजें चल रही है, हमारे विचार जैसे होते हैं, उस विचार को किसी दूसरे से प्रकट करते और उसमें जो माध्यम प्रयोग होता वह भाषा कहलाता है, ठीक है। तो भाषा भाष से बना है,
अगर भाषा की व्युत्पत्ति देखें, भाषा की जो व्युत्पत्ति हुई है यह व्युत्पत्ति भास शब्द से हुई है और भास का अर्थ होता है ज्ञान, किसी चीज को जानना ही भास कहलाता और भास शब्द से भाषा का निर्माण होता है, यानी एक ऐसा माध्यम जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह आपकी भाषा होती है। भाषा अनेक प्रकार की होती है, वस्तुतः हम हिंदुस्तान में देखें तो हिंदुस्तानी भी शुरुआत में आया, फिर हिंदी उसी का नाम बदला, तो चलिए धीरे धीरे इन्हीं पर जो है बढ़ते हैं। तो भाषा जहां से अपने को मालूम चली, ठीक आप इतिहास पढ़ना प्रारंभ करते हो तो आप शुरू करते हो, ठीक है सबसे पहले आप पढ़ते हो एंशिएंट को पूरा का पूरा। एंशिएंट एक ऐसा काल रहा, पूरा का पूरा बीत जाता है जब तक मनुष्य गुफाओं में रहने लगा, तमाम चीजें करने लगा। आज भी आप देखते हो कि गुफाओं में बहुत सारी भेद चित्रियां जो है मिलती हैं, मतलब पहले जो हमारी भाषा थी, मनुष्यों की जो भाषा थी वो संकेतात्मक थी, यानी जो संकेत हमें मिलते थे उस अनुसार हम चित्र बनाते जाते थे। तो आजकल दीवारों में भी बहुत पुरानी पुरानी जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में चित्र से संबंधित भाषा मिलती है, वो हम आप जान नहीं सकते भैया, ठीक वो सारी चीजें अलग। हम वहां से बात करने लगते हैं भाषा की जहां से किसी रचना जो है मतलब कोई किताब मान सकते हैं, जिसकी किसी की रचना हो जाए, क्योंकि भाषा विभाषा बोली उपबोली, ठीक है उपभाषा, इन सभी में विभेद है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, उपबोली किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपकी अलग अलग है। तो भाषा में जब किसी चीज की रचना होने लगती है बोली से ऊपर उठकर एक लोकल लैंग्वेज से, तो वो चीजें धीरे धीरे भाषा में बदल। हिंदी में जब रचना प्रारंभ हुई तो सबसे पहले आदिजननी हिंदी, अगर इसकी देखें जो हिंदी भाषा हम लोग प्रयुक्त करते हैं, इसकी आदिजननी आपकी संस्कृत है, क्योंकि रचना तो यहीं से मिलने लगी ना। सबसे पहले आपका वैदिक काल आता है जिनमें वेदों का निर्माण हुआ, तो 1500 ईसा पूर्व से हम लोग लेकर प्रारंभ करते हैं सारी चीजें, ठीक तो उसी में पहले हम वैदिक काल को पढ़ते हैं। तो जो वैदिक काल में जिनमें वेदों की रचनाएं हुई वह भाषा वैदिक संस्कृत बोली गई। उसके बाद आप जानते हो कि वेदों में सभी को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, सभी को उस भाषा का प्रयोग जाहिर सी बात है नहीं होगा, ठीक है जब सभी को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, जो हमारी आम भाषा थी, और तो कोर्स कोई चलता नहीं था, पहले एक आश्रम होता था, उसी आश्रम का जो आपका सबसे प्रमुख होता था आचार्य होता था, वही आचार्य हर एक उस आश्रम में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को एक ही आचार्य, किसी को MBBS बनाता था, किसी को वहीं से कर्मकार बनता था, कोई शिल्पकार बनता था, मतलब एक ही आश्रम हर व्यक्ति को अलग अलग वहां पर क्या देता था, व्यवस्थाएं दे देता था, मतलब एक गुरु ही जानता था ये जो है हमारा शिष्य किस क्षेत्र में आगे जाएगा, उसको उस क्षेत्र में भेजता था। आज हमें आपको पढ़ाई करनी है तो जिस स्ट्रीम के पढ़ाई करनी उस स्ट्रीम के लिए हमें विद्यालय जाना होता, पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, पहले वही चीजें थी, ठीक है और उसमें भी बहुत सारी चीजें प्रतिबंध लगाए गए आश्रमों को लेकर के, बहुत सारी चीजें हैं वो सब आगे देखेंगे। तो हिंदी की आदिजननी संस्कृत है, दिमाग में ये रख लेना है। संस्कृत में सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है जिसमें वेदों की रचना होती, फिर वेदों की रचना के बाद आम जनमानस की जो भाषा बनी उसको लौकिक संस्कृत बोलते, लौकिक के बाद फिर धीरे धीरे आप जानते हो फिर आपका बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, तो बौद्धों और जैनों ने जो है पाली भाषा का इस्तेमाल किया बौद्ध ने। जब ज्यादा लोग जो है अशिक्षित होंगे और उनकी भाषा अपनी एक लोकल हो जाएगी, कुछ ना कुछ अरबी तरबी बोलने लगेंगे, ठीक है तो बौद्धों ने क्या किया, जो एक लोकल मोहल्ले की भाषा होती थी उसमें उपदेश देना प्रारंभ किया, जिसको हम क्या बोलते जो है ठीक पाली बोलते। पाली जो भाषा है या भाषा भैया कहां से निकली है, जैसे हिंदी संस्कृत से निकली है, ऐसे जो पाली आपकी भाषा रही पाली पल्ली से निकली है। पल्ली का अर्थ होता है टोला, टोला जानते हो ना, ठीक जैसे कहते नहीं हमारा सोसाइटी है तो हम गांव वाले टोला बोलते हैं, मोहल्ला टोला, ठीक है तो ये जो पल्ली का अर्थ होता है टोला, मतलब एक लोकल छोटे से क्षेत्र के अंतर्गत जो भाषा आपकी होती है बोली जाती है वह क्या कहलाती, पल्ली, और पल्ली से बना है पाली। तो बौद्धों ने क्या किया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है इनको अपने धर्म की ओर कैसे खींचे, इसके लिए उनकी लोकल लैंग्वेज में इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया, और जब लोकल लैंग्वेज में दिया तो लोगों को लगा अरे भाई ये तो हमारे साक्षात क्या है भगवान जी आ गए, तो वहां से क्या हो गया फट से लोग ज्यादा जुड़ने लगे, उनसे कनेक्टेड होने लगे क्योंकि उनकी भाषा मिल गई। इसके बाद बौद्ध के बाद जब आप भाषा में बढ़ोगे तो एक इसके बाद प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत भाषा किसने चुना था, आप जानते हो जब जैन
इसके बाद धर्म आया, ठीक। तो जैन धर्म वालों ने जो उपदेश देना प्रारंभ शुरू किया वो प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल, जो अपने आप डेवलप हो जाए, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में उपदेश प्रारंभ हुआ। तो पाली के बाद जो हमें भाषा का स्वरूप देखने को मिला वह प्राकृत रही। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो एक भाषा इसी बीच में आती है, अवहट्ट, जिसको बोलते अवहट्ट, या इससे पहले आप मान सकते हो अपभ्रंश। यहीं से भाषा जो है टूटने लगती है धीरे धीरे। जाहिर सी बात है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, तो आप जानते हो कि अपने यहां एक कहावत भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी, ठीक। आप एक जिले में हैं, एक जिले में कुछ ही दूरी पर आप चले जाइए, दूसरे जिले में चले जाओ, वहां पर आपको क्या होगा, जैसे लखनऊ है तो यहां आपकी अवधी चलती है, थोड़ा सा आप बगल चले जाओ, फैजाबाद साइड बढ़ जाओ, ठीक है, यहां पूछते हैं क्या हो, का हो रहा भैया, वहां का हो रलवा, अब्बा लगने लगता है, ऐसे थोड़ा सा इधर भोजपुर वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ जाओ, ठीक, तो कैसन बानी, ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे क्या होती हैं। उसी तरह जैसे जैसे आप एरिया परिवर्तित करोगे उसी अनुसार हमारी जो है भाषा बदलने लगती, बोली बदलने लगती, ठीक है, बोली बदलती है भाषा नहीं, ठीक है, बोली में यह परिवर्तन होता है। बोली हमेशा जैसे जैसे एरिया आपकी क्षेत्र बदलेंगे वैसे वैसे बोली आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। और वही चीज जब ये प्राकृत हुई तो अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद जो एक आपका रूप मिलता उसको अवहट्ट बोलते हैं, ठीक है। अवहट्ट के बारे में आगे हम बात करेंगे। अवहट्ट मतलब जैसे छोटे छोटे कवि हो गए, ठीक है। मान लो मैं जो है एक मेरे यहां जो लोकल लैंग्वेज चलती है उस लैंग्वेज में मैं रचना करने लगूं और मैं उसी लैंग्वेज को क्या बोल दूं, इसी जो है भाषा को, इसी बोली को मैं सर्वप्रिय मानने लगूं, सर्वाधिक लोगों में बोले जाने वाली मानने लगूं, क्योंकि इसको लेकर कई आपके अलग अलग जो है कवि हैं, उन कवियों की अलग अलग इस पर जो है टिप्पणियां हैं, उनको हम आगे बात करेंगे, ठीक। कई अलग अलग कवियों ने इस पर अलग अलग टिप्पणियां की हैं, तो उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। और उसके बाद अवहट्ट के बाद आपका अगला स्वरूप जो देखने को मिलता है वह हिंदी का स्वरूप होता है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जो हमें अगला स्वरूप मिलता है वह हिंदी का होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना होता है। तो हिंदी भैया ऐसे नहीं आई है, हिंदी जब आ जाती है तो हिंदी सबसे पहले कैसे थी, बीच में कैसे हुई, फिर आज जो हम लोग बोलते पढ़ते हैं ये कैसी हुई, तो इन तीन भागों में इसको डिवाइड करते हैं। तो अभी तक मैं किस पर चर्चा कर रहा था, अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि ये सारी जो लैंग्वेज है लैंग्वेज क्या कैसे रही। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे अब हम बात करते हैं जो हिंदी भाषा है। देखो भाषाएं विश्व में पहले देखी जाती कि विश्व में कितने टाइप की भाषा है, तो देखो अपने यहां एक तो मूल रूप से हम भारतीय, तो अपने यहां जो भाषा चलती थी भारत में वह रह गई, और दूसरी हमारे यहां जो यूरोप वाले आए इन सब की जो सारी चीजें असर पड़ी, तो एक विश्व में एक आपका जो है भाषा का परिवार है जिसको भारूपीय कहते हैं, ठीक है। विश्व में एक भाषा का परिवार है जिसको भारूपीय कहते हैं, और हिंदी जो है भारूपीय परिवार की भाषा है। अब धीरे धीरे इन्हीं पर मैं बढ़ रहा हूं। देखिए हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, ठीक है, लगभग 3000 भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं, उनमें से एक आपकी हिंदी है जो हम आप प्रयुक्त करते हैं। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या जो है विश्लेषण भाषा है। देखो इसमें भी भाषाओं के कई आपके जो है वो होते हैं, रूप होते हैं, यहां पर बात किया है आकृति या रूप के आधार पर, यह वियोगात्मक है या विश्लेषण है, ऐसे प्रयोजन के लिए होती है, ठीक। इसके अलग अलग रूप मिलते हैं, वहां पर मैं बात करूंगा जब ये चीजें आएंगी, वहां पर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। भाषा परिवार के आधार पर अगर हिंदी को देखो तो हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। रूप के आधार पर विश्लेषण या वियोगात्मक जिसको कह सकते हैं, भाषा परिवार के आधार पर भारूपीय। भारत में चार भाषा परिवार हैं, कौन कौन से, भारूपीय हैं, ठीक है, और फिर द्रविड़ वाला है नीचे वाला जो हिस्सा है, और फिर आस्ट्रिक पाया जाता है, और चीनी तिब्बती मतलब ये जो आपका अरुणाचल हो ये सब हो गया। तो ये चार टाइप की अपने यहां क्या होती हैं, भाषाएं मिलती हैं भारत में। भारत में बोले जाने के प्रतिशत के आधार पर भारूपीय जो परिवार है या सबसे बड़ा भाषा परिवार होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। भारूपीय अगर बोले जाने के हिसाब से देखें तो भारूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, क्योंकि द्रविड़ वाले जाहिर सी बात है दक्षिण वाले ही हैं, तो उनमें और ऊपर आप जानते ही हो तो जनसंख्या इधर ज्यादा ही है। भाषा परिवार के हिसाब से देखो भारूपीय जो है लगभग 73% जो है अपने यहां लोग भारूपीय भाषा का प्रयोग करते हैं, वहीं द्रविड़ को देखें तो लगभग 25% लोग, आशिक को देखें तो 1.3% लोग, और चीनी तिब्बती को देखें तो यह लगभग
जो है 0.7% लोग चीनी तिब्बती भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपके भाषा परिवार के हिसाब से डिवाइडेशन रहा पूरे भारत का कि कैसे कैसे लोग जो है इसको बोलते हैं। अगली चीज अगर देखें हिंदी भारूपीय या भारत यूरोपीय के भारत ईरानी इंडो ईरानियन ठीक है शाखा के अंतर्गत आर्य जो है भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है। इस चीज को समझिए ठीक है। कैसे मैंने जो है पहले तो आपको ध्यान रखना है भारतीय यूरोपीय ठीक भारत और यूरोप। दूसरी बात रखना है भारतीय ईरानी ये सब अलग अलग शाखाएं डिवाइड की गई हैं ठीक है क्योंकि ईरान वाले आए तो वहीं सब कुछ नाम ये सब दिए हैं ठीक है। अभी आगे मैं जब बताऊंगा और उसके अंतर्गत हम क्या बोलते हैं भारतीय आर्य क्योंकि शुरुआत में जो मानव शब्द यहां आया वो उसको आर्य कहा जाने लगा ठीक। तो वो सारी चीजें रही। देखो यहां पर थोड़ा सा मैं ये जो चीजें आई हैं इसका विभाजन कर लेते हैं और उदाहरण समझ लेते हैं जो चीजें मैंने आपको हिंदी भाषा को लेकर बताई थी कि कैसे कैसे डिवाइडेशन चला। देखिए इधर नाम मैंने दिया है कि कौन सी आपकी जो है भाषा रही भाषा को तब क्या नाम दिया गया था। इधर मैंने उसका प्रयोग काल दिया है कि वह भाषा कब प्रयोग होती थी और तीसरा मैंने उसके उदाहरण लिखे हैं कि उनमें कौन कौन सी भाषा आती है। तो देखिए ध्यान दीजिए सारे लोग सबसे पहली जो आपका नाम है जिसको सबसे पहली भाषा के तौर पर दर्ज किया गया वह है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ठीक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या थी इसको समझिए। इसका प्रयोग काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। कब तक 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक इसकी प्राचीन जो है भारतीय आर्य भाषा का वो रहा काल रहा। इसके उदाहरण कौन है वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत इन दोनों के उदाहरण मिलते हैं। कौन कौन वैदिक संस्कृत आपके मिलती है और दूसरी आपकी लौकिक संस्कृत मिलती है इन दोनों के उदाहरण है। अगली बात करते हैं दूसरी जो भाषा दर्ज हुई जिसको नाम दिया गया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो बीच का काल रहा इसका जो प्रयोग अभी ये 500 ईसा पूर्व तक हो गई तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक जो भाषा चली उसको हम लोग बोले कि यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आई मुख्य रूप से पाली प्राकृत और अपभ्रंश जो है तीन। ये 1500-1500 सालों का जो है हम लोग गैप लेकर चल रहे हैं कि उस दौरान क्या क्या परिवर्तन हुआ भाषाओं में क्या क्या चीजें देखने को मिली। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है इसका जो आपका विभेद है वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कही जाती है। ये लगभग 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो प्रयोग में आ रही है उसको इसका नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत आप जानते हो हिंदी हो गई हिंदीतर भाषाएं जैसे बांग्ला उड़िया ठीक है असमिया मराठी गुजराती पंजाबी सिंधी ये सारी भाषाएं हो गई तो उनको रखा गया है। तो इस समय हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ रहे हैं ठीक। आगे बढ़ते हैं जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा रही प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा रही जो सबसे पहले हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने प्रयोग जो है देखा कि इनका प्रयोग किस में किया गया तो वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में किया गया था ठीक है। प्राचीन आर्य भाषा का आप वैदिक संस्कृत में ध्यान दीजिए जो वैदिक संस्कृत रही इसके अन्य नाम एक नाम दिया गया है छांदस। ये यास्क में और पढ़नी के द्वारा जो है दिया गया है छांदस बोला गया छंद बोला गया ठीक है। तो छांदस जो नाम दिया गया किसके द्वारा पढ़नी के द्वारा प्रयुक्त हुआ है। इसका प्रयोग काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक नाम जो है वैदिक संस्कृत का प्रयोग काल रहा। उसके बाद वैदिक के बाद लौकिक आ गई तो लौकिक जो संस्कृत रही इसके अन्य नामों को संस्कृत दिया गया भाषा बोला गया पढ़नी ने इसको भाषा नाम दिया है ठीक। पढ़नी भैया करण है आपके तो इसका जो प्रयोग काल रहा भैया लौकिक संस्कृत का वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 500 तक आपका किसका लौकिक संस्कृत का माना जाता है आम लोगों की। अब हम बात करते हैं जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। मध्यकालीन में जैसे आपने देखा था कि ये पाली और प्राकृत और आपका अपभ्रंश तीन के उसमें जो है प्रयोग होती रही तो उसी को अब हम आप समझते हैं। देखिए अगर नाम देखें सबसे पहले प्रथम जो आपकी प्राकृतक वो है प्राकृत काल रहा सबसे पहले जो लैंग्वेज टूटी संस्कृत से वह कौन सी रही वह पाली लैंग्वेज रही जो बौद्धों की भाषा है। इसका प्रयोग काल अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रयोग काल है ये 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक रहा। कब से कब तक 500 ईसा जो है पूर्व से आपकी पहली ईस्वी तक किसका रहा वो प्रयोग रहा है किनका जो पाली भाषा का ठीक। आप नोट करते रहे अगर ना दिख रहा हो
अगर विशेष टिप्पणी इसमें देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भारत की प्रथम देशभाषा है पाली, पाली भारत की प्रथम देशभाषा है। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश आपको किसमें मिलेंगे, पाली लैंग्वेज में ही मिलेंगे। दूसरी जो प्राकृत भाषा आई जिसको नाम ही दिया गया प्राकृत ही नाम की दिया गया, ये जैनों की भाषा रही। ये कब से आई प्रयोग में, ये प्रयोग में आती है पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, जिसमें आपको जो है इनके भगवान महावीर के सारे उपदेश मिलेंगे। इन्होंने प्राकृत भाषा में सारे उपदेश दिए, ये जैनों की रही। तो द्वितीय जो आपकी प्राकृतिक आपकी भाषा आई वह प्राकृत ही रही अपने आप। चलिए तो ये जो द्वितीय आपकी प्राकृत भाषा रही इसको प्राकृत नाम दिया गया। इसमें जैन के पूरे उपदेश मिलते हैं, भगवान आपको महावीर के पूरे उपदेश मिलेंगे, ये सभी प्राकृत भाषा में। तीसरी बात करते हैं, तृतीय जो प्राकृत काल बोला गया यह अपभ्रंश का जब प्रयोग होना प्रारंभ होता है उसको नाम दिया गया। यह 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का होता है। इसमें उपदेश उपदेश बाबा वगैरह बहुत सारे आए थे, तो उन सब में जो है ठीक है, आजकल वाले सब बाबाओं को जोड़ सकते हो जिनके नाम अच्छे अच्छे, बाबा राम रहीम, ठीक है बाबा कौन से जो भगवान अपने आप को घोषित किए थे, तो वो सब जो है ये अपभ्रंश की भाषा, मतलब जो जैसी बाबाओं को देखो। अब तो कुछ तो बड़े मॉडर्न वाले हो गए, नहीं तो पहले वाले जो गुरु, ठीक है जैसे हम लोगों के पिताजी के बाबा जी के हमारे जो गुरु जी हैं जिनसे मंत्र लेते थे, अब गांव वाले होंगे आप लोग तो जानते होंगे, तो उनके जो गुरु हैं उनकी सबकी बढ़िया अपभ्रंश वाली लैंग्वेज होती थी। ठीक है, ये नहीं कि वो एकदम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, उनकी जो अपनी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बात करते थे, तो ये अपभ्रंश वाली जो है। आगे बात करते हैं, एक है आपकी अवहट। ये अवहट क्या होती भैया, देसी बैना सब जग मीठा। ठीक है, जो देसी आपकी बोली होती है वो सबको प्यारी होती है, तो वो चीजें जो चलती हैं इसका प्रयोग काल अवहट का जो रहा ये 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक मानते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर देखा जाए विशेष रूप से अवहट में क्या चीजें ऐसी आई जिसको अवहट नाम दिया गया, इसको भैया संक्रमण कालीन भाषा बोला गया है, मतलब जो एक संक्रमण से दूसरे में मतलब परिवर्तन जिसमें रूपांतर दिख रहा हो, तो उस दौरान जो भाषा चलती रही मतलब अवहट जो है अपभ्रंश काल से लेकर के हिंदी में जो बीच का फेज रहा इस दौरमियान जो भाषा उपयोग होती रही। अब इसमें जाहिर सी बात है नए नए शब्द बुने जाएंगे, उन नए शब्दों का कहीं ना कहीं प्रयोग होने लगेगा, तो ये जो बीच का आपका पूरा का पूरा काल रहा समय रहा इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया अवहट। ठीक है, अब आधुनिक जो है इसमें भारतीय आर्य भाषा में आते हैं, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा रही इसमें भैया सबसे पहले जो हिंदी आती है, सबसे पहली वाली हिंदी को बोला गया प्राचीन हिंदी, पुरानी वाली जो सबसे पहले प्रयोग करे जब हिंदी अपने रूप में पहुंची, इसका प्रयोग काल लगभग 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक मानते हैं। अब इसमें जो जो रचनाएं हुई वो रचनाएं आपको विशेष दिखेंगी, ठीक, उसमें आज जैसी आपको जो है रचना नहीं मिलेगी, तब जैसा था। दूसरा मध्यकालीन हिंदी, इसका डिवाइडेशन किया गया, मध्यकालीन हिंदी जो है ये 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 तक माना जाता है। ठीक है, और तीसरा जो इसका बनाया गया आधुनिक जो हिंदी कहा गया ये 1850 से लेकर आप तक का है पूरा का पूरा, ये इसको बोला गया आधुनिक हिंदी का काल। तो ये समय विभाजन ना जो है भारतीय आर्य भाषाओं को लेकर के जो तीन तरीके के विभाजन किए जाते हैं उनका प्रयोग कैसे कैसा होता है उन सभी को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो चीजें मैंने पहले ही बताई कि अगर हिंदी का विकास रूप आप देखोगे कि हिंदी का विकास काल कैसे शुरू होता है, तो हिंदी जो है इसकी जननी कौन है, संस्कृत है। ठीक, और संस्कृत जो है पाली में आई, पाली से प्राकृत में आई, प्राकृत से अपभ्रंश में आई, अपभ्रंश से आपका ठीक है किसमें टूटी। देखो अगर इसको देखा जाए सबसे पहले संस्कृत थी, ठीक, सबसे पहले आपकी कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। संस्कृत में अगर आप इसको और देखना चाहो तो बोल सकते हो कि वैदिक संस्कृत सबसे पहले थी। ठीक है, वैदिक संस्कृत के पास बाद जो है भाषा आई वह आपकी बनी कौन सी, वह थी आपकी लौकिक संस्कृत। ठीक, लौकिक के बाद आपकी तीसरी जो हमें भाषा देखने को मिली वह पाली थी। ठीक है, पाली यानी बौद्धों की भाषा। चौथी जो भाषा देखने को मिली वह प्राकृत थी, प्राकृत यानी जैनों की भाषा। उसके बाद अगला जो रूप देखने को मिला पांचवा वह अपभ्रंश कहलाया, मतलब जब चीजें क्या हो रही हो, टूट रही हो, और अपभ्रंश के बाद फिर अवहट देखने को आया। अवहट के बाद आपका फिर क्या बना, अवहट के बाद जो अगली चीज आई वह हिंदी का रूप रहा। तो हिंदी का जो आपका
एक तरीके से देखा जाए विकास काल भाषाओं से खासकर, तो इसमें आपका सबसे पहले आदिजननी ठीक संस्कृत को बोलते, हिंदी कहां से, हिंदी का जन्म हुआ, वह भाषा आपकी कौन रही, वह भाषा आपकी संस्कृत रही। उसके बाद संस्कृत में दो रूप, एक तो जब वेदों की रचना हुई तो वह वैदिक संस्कृत है, और जब जो है लौकिक जो है रचनाएं प्रारंभ हो गई, आम जनमानस की भाषा जो थी संस्कृत की उसको लौकिक बोला गया, वहां से अगली लैंग्वेज टूट के आई उसको पाली बोला गया, फिर अगली लैंग्वेज टूट के आई तो प्राकृत बोला गया, फिर अभ्रंश बोला गया, फिर अवहट्ट बोला गया, फिर हिंदी, फिर हिंदी के उतने रूप मिल जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक। कभी आपसे पूछ ले मान लो हिंदी के इन सारे रूपों को, तो हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा। अभ्रंश को पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक। अभ्रंश क्या है? अभ्रंश का अर्थ होता है टूटना। इसका जो विकास माना जाता है ये 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी, अभ्रंश का जो काल है ये 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का है, और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी कौन सा कवि था? अगर आपसे पूछता है कि अभ्रंश का पहला कवि कौन था तो स्वयंभू था, ठीक। अभ्रंश का पहला कवि कौन था? स्वयंभू था। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह पूछा भी है, यह 13वीं सदी तक चलता रहा, ठीक है। 500 ईस्वी से चला और लगभग 1000 ईस्वी तक इसका काल रहा, और इसमें जो आपका कवि आया वह कवि कौन था? स्वयंभू था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अभ्रंश किससे मिलकर बना है? अपधन भ्रंश, ठीक। ये जो चीजें आपके शब्द हैं इन सभी मतलब शाब्दिक इनके अर्थों को लिया जाए तो इसका अर्थ होता है पतन, किंतु अभ्रंश साहित्य से अभीष्ट तात्पर्य क्या होगा कि प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा का विशेष साहित्य इसको बोलेंगे। अभ्रंश भाई कब चला? जब प्राकृत भाषा मौजूद थी, जैनियों का काल ला, तो उसमें जो प्राकृत भाषा थी उससे हम साहित्य की ओर जब बढ़ते हैं, साहित्य में रचना की ओर बढ़ते हैं, तो उसी को अभ्रंश भाषा बोला गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो कवि स्वयंभू रहा, इसने शायद पौम जो है चरु की रचना की थी, अपने आप में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके रचनाकार जो है प्रमुख रचनाकार अगर देखें तो पहला कवि आपका कौन था? अभ्रंश का, स्वयंभू था। इसको अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, जैसे वाल्मीकि जो थे आपके गुरु, वैसे अभ्रंश का वाल्मीकि इसको बोला जाता है, स्वयंभू को। इसने किसकी रचना की? इसने रचना की थी पौम चरु, यानी आज के लैंग्वेज में इसका मतलब हुआ राम काव्य। पहले क्या बोला गया? पौम चरु। तो देखिए पहले की भाषा अलग रही ना। उसके बाद एक और कवि का नाम मिलता है जिसका नाम है धनपाल। धनपाल यह भी आपका किसका कवि रहा? यह अभ्रंश का कवि हुआ, और इसने जो रचना की थी उस रचना को भविष्यत कहा नाम दिया था, इसने अपनी रचना को नाम दिया भविष्यत कहा, ठीक। यह अभ्रंश का पहला जो है प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य का मतलब कि एक बहुत व्यवस्थित क्रम में किसी चीज को जब लिखा जाता है। अगली चीज, एक आपका कवि हुआ जिसका नाम है पुष्पदंत, ठीक। महापुराण और जसहर चरु दो रचनाएं इसकी देखने को मिलती हैं जो साक्षी में हमें मौजूद हैं, और इसके बाद कुछ सिद्ध आए जैसे बाबा इस समय अपने, ठीक है, कौन, सीएम महाराज, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी, ये नाथ संप्रदाय से हैं। तो इससे पहले भी क्या चलते थे? कुछ सिद्ध चलते थे। सिद्धों में जैसे आपके कुछ प्रमुख जो है प्रमुख सिद्ध थे जिनका नाम था सरहपा, कणहपा, ये सब आपके सिद्ध थे। इनकी भी अपनी रचनाएं थी भैया, इनकी रचनाएं चरियापद कहलाती, दोहा कोसी कहलाती हैं। ये सब भैया भजन करते थे और भजन में जो है गाकर भजन करते थे, तो वो सब इनकी रचना हो गई, ठीक। तो ये सारी रचनाएं किसमें? अभ्रंश के काल में मिलती हैं, जिनमें इन सारे जो है आपके कवियों का बड़ा योगदान रहा है। अब हम बढ़ते हैं अभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा की ओर, जहां हिंदी जैसी भाषाओं का जन्म होता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले अभ्रंश के भेद को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और अभ्रंश के भेद में आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं वो कौन कौन सी अभ्रंश के भेद के अंतर्गत आती है, इन चीजों को हम सीखेंगे। देखिए भैया, सबसे पहली अभ्रंश का जो भेद होता है, यहां से सवाल पूछा है और पूछेगा, अभ्रंश के सबसे पहले भेद में आती है सौरसैनी, ठीक है, ठीक। अब इसका प्रयोग अपने इधर भी है क्योंकि मथुरा के पढ़ा होगा ना महाजनपद, तो सूरसेन महाभारत तो पढ़ा ही होगा ना, तो सूरसेन वहीं से ये भाषा आपकी चल गई, सौरसैनी नाम दिया गया। सौरसैनी अगर आधुनिक आर्य भाषाओं में देखोगे तो आजकल इसको क्या नाम बोलते हैं? पश्चिमी हिंदी बोलते हैं, पश्चिमी हिंदी, अपने यहाँ ये मेरठ वगैरह पूरा क्षेत्र देख लो, ठीक है, यहाँ बोलते हैं। रिक्शा वाला भी आपसे क्या बोलेगा?
साहब चलेंगे, बाबूजी चलेंगे। और मेरठ में क्या बोलता है रिक्शा वाला, ए तू चलेगा, मतलब यहां वाले वहां पहुंच जाए तो पहले ही उठा पटक हो जाए। तो उनकी वो भाषा है, ठीक। और वैसे आपकी ये हरियाणवी है, ठीक, कौरवी जिसको बोल सकते हो, वो हालांकि दूसरी लैंग्वेज हो सकती है लेकिन खड़ी बोली के अंतर्गत आती। अब उनकी भाषा सुन लो तो लगता है कि वो हमेशा एकदम मार करने पर उतारू, लेकिन वो उनकी प्यार की भाषा है भैया। जैसे हम आप जो है, ठीक है, आपसी बातचीत करते हैं, वैसे वो उनकी है, लेकिन हम लोगों को बुरा लगता क्योंकि हमारी भाषा दूसरी है, बोली दूसरी है। इस सौर सैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती तीन भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं सौर सैनी के अंतर्गत। सौर सैनी अभ्रंश की भाषा है और इसका छाप आज की भाषाओं में है। दूसरी अभ्रंश की जो आपकी बोली है उसको नाम दिया गया अर्धमागधी। मगध जानते हो ना, मगध आपका कहां, वो बिहार वाला मगध, ठीक है। तो बिहार वाले मगध को से जुड़ी जो वहां आसपास के क्षेत्र रहे वहां से जो निकली बोली रही, भाषा रही, उसको अर्धमागधी बोला गया। अर्धमागधी, ठीक, मतलब आधी वहां की रही, आधी कहीं और की आई। इसमें जो आपको पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, अब ये नहीं कि पूर्वी आपका ये पूरा सेवन सिस्टर उठा लो तुरंत दिमाग में बन जाए कि अच्छा भारत के ये सात राज्यों वाला पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है। पूर्वी मतलब पूर्वांचल, पूर्वांचल क्षेत्र जानते हो ना, ठीक, कहते नहीं पूर्विया हो का, तो वो वाले पूर्वी, ठीक है, ये पूरा अपना भोजपुर से इलाका ले लो, गोरखपुर वाला पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये अर्धमागधी जो है ये वहां से आई, क्योंकि भैया बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगली जो आपकी अभ्रंश की आप जो है अगला प्रकार है उसको मगधी बोला गया या मागधी बोला गया। अब ये वही मागधी, ठीक, मगध जिसको। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं आज की भाषाओं में, तो मागधी के अंतर्गत सबसे पहली भैया मगध यानी बिहार, तो पहली बिहारी आएगी। दूसरी क्या होगी, ठीक, बिहार के आसपास सटा हुआ उड़िया भी इसी में आ जाता, बांग्ला भाषा भी इसी के अंतर्गत है, और असमिया, ठीक है, असम वालों की ये भी ऐसी है। उसके बाद इसी अभ्रंश की एक आपकी विभेद होता है जिसको खस बोलते हैं, अभ्रंश का। अब खस मतलब पहाड़ों, जो पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं उसको बोला गया क्या खस। ये सौर सैनी से प्रभावित भाषा है, मतलब पहाड़ी लोगों की जो भाषा होती है वो उसको क्या बोलते हैं, इसको खस भाषा बोलते हैं। एक इसी का है आपका विभेद ब्राचड़। तो ब्राचड़ और खस पे कई विद्वान आपस में इसको एक रिलेट करते, लेकिन ब्राचड़ और खस में अंतर है भैया, ठीक है। ये जो ब्राचड़ है ये पंजाबी वाले क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है, पंजाबी और ये जो आपके मतलब हरियाणवी हैं इन लोगों में, मतलब सिंध वाला जो रहा इलाका उनमें ये ब्राचड़ आपको देखने को मिलेगी। ये भी सौर सैनी से प्रभावित ही आपकी क्या है, आधुनिक भारतीय भाषा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें जो है सिंधी हो जाती है, पंजाबी और सिंधी ये दोनों भाषाएं किसके अंतर्गत है, ये ब्राचड़ जो अभ्रंश है उससे विकसित बोलियां मानी जाती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगली एक आती है आपकी, ये आपका पूरा महाराष्ट्र, ठीक, तो अगली जो अभ्रंश बनी वह महाराष्ट्री बनी। अब महाराष्ट्री है तो जाहिर सी बात है आप जानते हुए कि यहां की जो आपकी आधुनिक आर्य भाषा है वह मराठी है। तो ये अपभ्रंश से विकसित आपकी अलग अलग जो बोलियां हैं आधुनिक भारत में, ठीक, आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषाओं के तौर पर जिनको हम तरजीह देते, जिनका हम उपयोग करते, वो सभी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मतलब 10 जो है एक परिवार में मान लीजिए 10 लोग हैं तो सभी की भाषा जाहिर सी बात है एक होगी। अब वो 10 लोग अलग अलग जगहों पर जाकर बसने लगेंगे तो अपनी जगह से भाषा, संस्कृति ये सब साथ लेकर जाएंगे ना, तो वो जहां जाएंगे वहां पर वो लैंग्वेज धीरे धीरे आपकी क्या होगी, चली ही जाएगी। जैसे अपने यहाँ आगे अभी उदाहरण में बताऊंगा कि जब यूरोपवासी यहां पर आते हैं अंग्रेज, तो यहां के आम जो जनमानस की भाषा थी वो लोग भी अंग्रेजी का प्रयोग करने लगे थे, ठीक है। पहले जो है अब जानते हो अंग्रेजों का राष्ट्रीय ठाठबाट था, ठीक है, भले ही उनके कपड़े आज कौन अपने बैंड बाजा वाले पहनते हैं, लेकिन पहले उनको राष्ट्रीय हम बोल सकते थे भैया, ठीक। तो वो जब आए तो उनमें भी जो अपने यहां सामान विक्रेता थे ये सब अंग्रेजी उनकी टूटी फूटी सीख लिए थे, ठीक। तो वहां से ये चीजें क्या हुई, यूरोप वालों की और अपने यहां भारत वालों की लैंग्वेज मिक्स होने लगी धीरे धीरे। इसी में बहुत सारे आपके जितने बाहर वाले लुटेरे आए उनका भी हम पर प्रभाव पड़ा है। उससे पहले बाहरी से पहले हम देखें जब हमारा व्यापार होता था भैया ऐसे निकल जाते थे अफगानिस्तान से, ठीक है, तो वो वहां तक जो हमारा व्यापार ईरान इराक इन सारी चीजों पर चलता था उनकी वजह से हमें कुछ परिवर्तन मिला है। बहुत सारे भारत में आज भी
जो है लैंग्वेज है, जब मैं आपको शब्द पढ़ा रहा था वहां पर शब्दों में मैंने आपको दिया भी है पूरा नोट्स, ठीक, जिनका प्रयोग हम करते हैं, लेकिन वो है भाषाएं कहां की, वो शब्द आपके अलग अलग बोलियों के हैं, अलग अलग भाषाओं के हैं। अब बात करते हैं अभ्रंश के बाद अवहट्ट। अवहट्ट भैया क्या है, ये अभ्रंश का ही विकृत रूप है, मतलब विकृत का परिवर्तित, अभ्रंश का परिवर्तित रूप क्या कहलाया, वो कहलाया अवहट्ट, ठीक। अवहट्ट जो है इसको परिवर्ती अभ्रंश हम बोल सकते हैं, परिवर्ती मतलब जो परिवर्तित हो गया हो वो अभ्रंश, मतलब पहले अभ्रंश दूसरा था, अब अभ्रंश दूसरा हो गया, उसका एक रूप परिवर्तन मिल गया, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। तो इसमें समझिए इसका जो कालखंड दिया जाता है ये 900 से लेकर के 1100 ईस्वी तक निर्धारित करते हैं, किसका, आपके अवहट्ट का, परिवर्ती अभ्रंश का। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा, लेकिन हम 1100 तक इसको क्या मान लेते हैं कि 1100 तक इसका प्रयोग रखिए, उसके बाद जो है थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल गया, शब्दों का नया प्रयोग आने लगा, तो इसलिए उस जो है कालखंड को अलग मान लिया गया। आगे बढ़ते हैं भैया, इसमें जो प्रमुख आपको कवि मिलेंगे अवहट्ट वाले में, उसमें इसमें जो रचनाएं मिली हैं उन रचनाओं में आपका नाम मिलेगा अब्दुल रहमान का, दामोदर पंडित का, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का, विद्यापति का, इन सभी की रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सभी अवहट्ट जो है उस समय जब काल चल रहा था तो उसके रचनाकार थे, और इन्होंने अपनी भाषा को, इन्होंने स्वयं अपनी भाषा को अवहट्ट बोला है, ठीक, इसीलिए इसको अवहट्ट नाम दे दिया गया, समझ गए। विद्यापति जो है इन्होंने प्राकृत की तुलना में, चूंकि उस समय प्राकृत अभ्रंश से जाहिर सी बात है अभ्रंश चल रहा था तो प्राकृत का ही अभ्रंश चल रहा था, तो इन्होंने प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को बताया कि हमारी भाषा ज्यादा मीठी है, ठीक। और इन्हीं ने ही, किसने, विद्यापति ने ही कहा था कि देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपेव अवहट्टा, मतलब जो देसी बैना है वो सभी लोगों को प्रिय होती है, देसी बोली सभी लोगों को प्रिय होती है, ठीक। तो विद्यापति की यह लाइन है, इसीलिए इस पूरे के पूरे इस फेज को क्या बोला गया, इसको अवहट्ट बोला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें प्रमुख रचनाकार अवहट्ट में कौन कौन से मिलेंगे, परवर्ती अभ्रंश में कौन कौन से मिलेंगे, नाम सुने रहो आगे सब कुछ आएगा, परेशान नहीं होना है। देखो इसमें आपके एक आपके थे एदहमाड बोलते हैं, ठीक, वैसे नाम इनका अब्दुल रहमान है, इनकी रचना जो थी, ठीक, वह सनेहरा से या संदेहरा से ये पूछी गई, बहुत बार पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। अगले जो इसके कवि हैं वह दामोदर पंडित हैं, दामोदर पंडित की रचना भी पूछी गई है, उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है प्रकरण इनकी रचना है, नाम याद रखना, दामोदर पंडित की क्या नाम है, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर पंडित की रचना है। एक इसी में नाम जुड़ता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर का, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर, पूछी जा चुकी है। अगली एक रचना है विद्यापति, जिनके बारे में अभी बताया, इन्होंने रचना की थी कीर्तिलता, आगे और भी रचनाएं आई लेकिन उस दौरान इनकी रचना कीर्तिलता रही। फिर रोड कवि एक व्यक्ति हुए जिन्होंने राउलबेल नाम की जो है एक रचना की है। तो ये सभी के सभी आपके जितने भी नाम मैंने यहां पर आपको बताया, ये सभी नाम अवहट्ट के फेज के दौरान बहुत ज्यादा चर्चित हुए, और इन्हीं की रचनाओं से, इन्होंने अपनी रचनाओं में जो लिखा भाषा को, उस भाषा को इन्होंने अवहट्ट नाम दिया, और इसीलिए इस पूरे कालखंड को अवहट्ट बोला गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सा कालखंड आया, फिर हिंदी आ चुका था, हिंदी जब आया तो यहां पर सबसे पहले प्राचीन हिंदी रही या पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी थी, ठीक। तो इस चीज को समझते हैं, ये जो हिंदी आपकी रही भैया, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर हिंदी आती है, ठीक है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय क्या है कि अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद की जो भाषा है वो प्राचीन हिंदी कही जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हिंदी का आदिकाल देखा जाए तो हिंदी का जो आदिकाल रहा, मतलब प्राचीन भारतीय भाषा रही, वो हिंदी का क्या रहा, बालपन रहा, शिशु काल रहा, जिसमें हिंदी जो है पैदा हुई थी उसका जो है शिशु काल चल रहा था, धीरे धीरे वो क्या होने लगी, बढ़ना प्रारंभ होती है, तो वो शैशव अवस्था से धीरे धीरे जब बढ़ना प्रारंभ होती है तो उसके रूप में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, रचनाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, जो शब्द प्रयोग होते हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर बात कर लो, ये तो पूरा कालखंड, वैसे मैंने बताया अपना व्यापार किससे चलता था, ईरान से, ठीक। और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति आप जानते हो कि जैसे अभी मोदी जी,
ठीक गलवान घाटी पर थे तो सिंधु नदी में उन्होंने पूजा अर्चना की, तो वही सिंधु नदी तब भी थी आज भी है, ठीक है। तो ये जो अपने यहां हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है भारत के उत्तर पश्चिम में जो प्रवाहमान है सिंधु नदी, ठीक सिंधु नदी से संबंधित है अपने हिंदी शब्द का जो है व्युत्पत्ति। कैसे? सिंधु जो है अपने यहां जितने भी विदेशी यात्री आए और विदेशी आक्रांता आए ये सभी के सभी वहीं उत्तर पश्चिम द्वार से भारत में प्रवेश किए, ठीक। और वहां से जब ये भारत आए तो भारत आने वाले इन सभी लोगों में विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था, ठीक है। सबसे पहले जब ये उधर से आए तो देखा नदी बह रही है और नदी जो बह रही उस तरफ एक विशाल भूभाग फैला हुआ है हरा भरा हर एक चीजें, तो उसको जो उन्होंने नाम दिया देखा कि यह तो सिंधु का देश है, ठीक। अब यहीं पर शब्द आया कि सिंधु का देश। अब धीरे धीरे ईरान मतलब जो पुराना नाम है प्राचीन नाम जिसको फारस बोलते थे, फारस से हमारे व्यापार चलते थे, ठीक। फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी जो आपके थे ये सिंधु को हिंदू बोलते थे क्योंकि वहां सा को हा में उच्चारित करते हैं, तो ईरानी सिंधु को हिंदू बोलते थे, ठीक। और पहलवी भाषा वहां चलती है उसके अनुसार ध्वनि परिवर्तन हुआ तो हिंदू से फिर हिंद बना, हिंदू जो शब्द उन्होंने ईरानी में प्रयोग किया वह हिंद बना और हिंद में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय जो बड़ी है उससे ई की मात्रा लग गई और वह शब्द हिंदी बन गया। तो ये हिंदी जो शब्द जो हम लोग बोलते हैं ये भैया हिंदी शब्द हम लोगों ने खुद को नहीं दिया है, ये तो हमको ईरानियों ने दिया है, ठीक। आगे बात करते हैं। इस प्रकार इस शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। हिंदी जो शब्द रहा हिंदी का अर्थ हो गया कि जो है हिंद देश के निवासी उनको हिंदी बोला गया, अब हम लोग इसको भाषा बना लिए। आगे चलकर यही हिंद भाषा के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होने लगी। तो भैया कितना फेज चला है हिंदी का सोचिए, ठीक। पूरा का पूरा धीरे धीरे परिवर्तन, हमारे फारस के साथ व्यापार, उन्होंने हमें नाम दिया और आज हम उस भाषा को अपने यहां आम जनभानस की भाषा बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है ना कि हिंदी भाषा का, इस चीज को दिमाग में बना लीजिए। दूसरी बात, जैसे ये ठीक वैसे है कि बच्चे का घर कहां हो, बच्चे का जन्म जो है हमारे घर हो और नामकरण हमारा पड़ोसी कर दे, तो भाषा तो हमारे यहां थी लेकिन उसका नामकरण किसने कर दिया, हमारा पड़ोसी फारस ने किया, तो वो चीजें वहां से ये भाषा आपकी हिंदी बन गई। और कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी मिलेंगे तो वो हिंदी का व्याख्यान कैसे करते हैं, जैसे कुछ आईडी फेसबुक आईडी देखते नहीं कट्टर हिंदू वाले, ठीक है। तो उस टाइप के जो लोग होंगे उन्होंने हिंदी शब्द की व्याख्या क्या बताई, इन्होंने जो हिंदी शब्द की व्याख्या बताई है उन्होंने लिखा कि हिंदी में हिन लिखा है प्लस दी लिखा है। अब हिन का अर्थ इन्होंने बताया कि हनन करने वाला और दू का अर्थ इन्होंने जो लिखा मतलब हिंदू का दू का अर्थ होता है कि दुष्टों का, तो दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू हुआ, ये कट्टर लोग बताते हैं। अब कट्टर हिंदू नहीं, कट्टर लोग जो हिंदू की परिभाषा देते हैं वो कहते हैं कि हिन का अर्थ होता है हनन करने वाला मारने वाला और दू का अर्थ होता है दुष्टों को मारने, तो हिंदू का अर्थ हो गया कि जो दुष्टों को मारे वह हिंदू है, ठीक। ये लेकिन ये माना नहीं जाता है लेकिन उनकी व्याख्या ऐसी ही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज इसमें आती है हिंदी शब्द के भैया दो अर्थ हैं। एक तो पहला नाम जो ईरानियों ने प्रयोग किया कि ये हिंद देश के निवासी इसलिए हिंदी है। दूसरी चीज, ठीक, अगली जो चीज आती है वो उसका मतलब होता है कि हिंद की भाषा, तो हिंद के निवासी और हिंद की भाषा दोनों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों चीजें अलग अलग हो चुकी है, अब हिंद देश के निवासी, ठीक, अब हिंदुस्तान, अब तो हम कहते हैं कि वी आर इंडियन, ठीक, और फिर हम कहते हैं हम भारतीय भी हैं, तो धीरे धीरे हमारा नामकरण जो चूंकि संविधान भी अभी ऐसा ही हमें कहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन अपने यहां जितने निवासी हैं इनको कोई हिंदी नहीं कहता है, अब अपने यहां सब बोलते हैं कि हाँ ये इंडियन है, अगर हिंदी आती तो कहेगा कि भारतीय है, लेकिन पहले क्या था, पहले हिंदी थे हम लोग, ठीक, हिंदुस्तानी हुए, हिंदी से बाद में हिंदुस्तानी हुए, फिर हिंदुस्तानी लैंग्वेज पर परिचर्चा चली, एकदम जब राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा की बात चल रही थी तो मार पर उतारू हो गए कुछ लोग,
कि नहीं अब हिंदुस्तानी घोषित होगी, कुछ लोग कहे हिंदी घोषित होगी, अब हिंदी हिंदुस्तानी में भी फर्क था, आगे अभी बात करेंगे। ठीक, इनमें प्रमुख रचनाकारों को देख ले तो हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है। ठीक, हिंदी जो शब्द है यह भाषा विशेष का वाचक नहीं है, यह भाषा समूह का नाम है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, यह भाषा समूह का नाम है हिंदी, जिस भाषा समूह का नाम है उसमें आज के हिंदी प्रदेश या क्षेत्र की 5 उपभाषाएं, कितनी उपभाषाएं, 5, 17 बोलियां, इस चीज को बहुत दिमाग में बना लीजिए, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हिंदी के अंतर्गत शामिल है। ठीक, और इन बोलियों में एक तो अपना वही ब्रज क्षेत्र, ठीक है, वृंदावन बोलो जानते ही है, तो वो ब्रजभाषा वाला पूरा का पूरा क्षेत्र एक अपना, का हाल है भैया ठीक ठाक हो, ये अवधि, ठीक, पूरा अवध वाला इलाका, एक खड़ी बोली, ठीक, कहां जा रहा, वो सारी चीजें हो गई। तो ये सब आगे चल के मध्यकाल में क्या हो गया, इन सभी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ इन बोलियों की, क्योंकि देखो बोली को महत्वपूर्ण स्थान क्यों देंगे, क्योंकि भैया जब उसमें रचना होने लगेगी तो जाहिर सी बात है उसको स्थान मिलेगा ही मिलेगा। ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, अवधि में, आगे चल के इन्हीं तीनों की हर एक काल में रचना को देखेंगे कि इस भाषा में कौन सी रचना हुई, इस भाषा में कौन सी रचना हुई। और जब कोई व्यक्ति किसी बोली का प्रयोग अपनी जो है लेखन शैली में करने लगता है तो वही वह बोली बढ़ गई भैया ना। अब जाहिर सी बात है एक किताब आ गई, ठीक है, अब चेतन भगत कोई किताब लिख दे तो हिंदुस्तान की जनता तो वैसे टूट पड़ती है, मतलब मिल जाता है ना बढ़िया पढ़ने को, तो यहां तो दिनों दिन उनकी बिक जाती है। क्यों, अब वो चाहे जिस भाषा में लिखते हैं, अंग्रेजी हिंदी सब में लिखते हैं, लेकिन जो है लोग पढ़ते हैं। तो वही चीजें है कि जब वो चीजें, कोई भी भाषा होगी, बोली होगी, बोली में रचना हुई तो वो उसका स्तर बढ़ जाएगा, उसका दर्जा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखिए, ये जो ब्रज भाषा रही, जिन बोलियों की मैंने बात की, ब्रज भाषा प्राचीन हिंदी काल में ब्रज भाषा जो है ये अपभ्रंश अवहट से ही जीवन रस लेती रही। ब्रज भाषा उस समय जैसी चल रही थी, आज भी ब्रज भाषा, जल्दी किसी ब्रज क्षेत्र वाले से बात करिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपभ्रंश अवहट की रचनाओं में ब्रज भाषा के फूटते हुए अंकुर को आप देख सकते हैं, क्योंकि ब्रज भाषा साहित्य का जो आपका एक हमें साक्ष्य मिलता है वो प्रदुम चरित्र का है। ठीक है, प्रदुम तो जानते ही है, यह ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का है। ठीक, और यह 1354 में लिखा गया है, प्रदुम कृष्ण के लड़के बोले जाते हैं। ठीक, तो वो प्रदुम चरित्र जो इन्होंने लिखा है ये ब्रजभाषा में लिखी गई आपकी किताब है, 1354 में पहला साक्षी यहीं से मिलना प्रारंभ होता है। अवधि अगर अपने देखें, अपनी वाली लैंग्वेज, अवधि की पहली जो कृति मानी जाती है यह मुल्ला दाऊद की रचना है, जिसको चंदायन या लोरकहा दोनों नाम लिखे मिलते हैं, चंदायन भी लिखा मिलता है और लोरकहा दोनों नाम मिलते हैं। यह 1370 ईस्वी में आई थी, पहली अवधि की कृति आपकी चंदायन या लोरकहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके उपरांत अवधि भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया, मतलब जब जाहिर सी बात है रचना किसी में प्रारंभ हो जाती है तो उसका विकास अपने आप धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि लोगों की नजर में आने लगती है ना वो चीजें। और पहले तो जो लोग आए गए मिले एक आध चीजें वही हुई, जब किसी चीज की रचना हुई तो हर जगह वो पहुंच जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया है, ठीक, फेसबुक पर आप कोई रचना किए अब तुरंत जो है लाइव करके सुना देते हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे प्रसारित होती हैं। अब खड़ी बोली की बात कर लेते हैं, भैया प्राचीन हिंदी काल में जो रचित खड़ी बोली रही इसके आरंभिक प्रयोग, उसके आदि रूप से बीज रूप का आभास मिलता, मतलब यहां से ये प्रारंभ हुआ है, इसका प्रयोग जब प्रारंभ हुआ तो वो कहां से, ये खड़ी बोली जो साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग होने प्रारंभ हुआ ये धीरे धीरे प्राचीन हिंदी काल में शुरू हुआ, अपभ्रंश में नहीं, प्राचीन हिंदी काल में शुरू हुआ। इसमें जैसे जो रचनाकार आए, इसमें आप जानते हो खड़ी बोली में जो रचनाकार हैं वो सबसे पहले संत को लेते हैं, सिद्धों को लेते हैं, ये सरहपा काढ़पा, उनके बाद गोरखनाथ, ये नाथों जो नाथ हुए, ठीक, अमीर खुसरे जैसे सूफी हो गए, जयदेव नामदेव, रामानंद जैसे संत हो गए, इन सभी का जो रचना रही ये खड़ी बोली के अंतर्गत रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन हिंदी की बात करते हैं। मध्यकालीन हिंदी में अगर देखा जाए तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा, चलिए अब इसमें देखते हैं मध्यकालीन हिंदी में। मध्यकालीन हिंदी में हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा एक चीज कि यहां पर जो था हिंदी, सबसे पहले प्राचीन वाले में सैसो काल में थी, बाल्य काल में थी, अब बालिक बाल
थोड़ा सा उसका जो है शिशुकाल से बालिकाल में पहुंची, बचपने में पहुंच गई, थोड़ा सा मतलब रूप परिवर्तित हुआ। अब यहां पर इसका रूप परिवर्तित हुआ तो स्वरूप स्पष्ट हो गया। अब इसकी जो प्रमुख बोलियां थी वो विकसित हो गई, और ज्यादा विकसित हो गई बोलियां। इस काल में भाषा के तीन रूप जो है निखर कर आए सामने, एक तो ब्रज, ठीक, दूसरा आपका अवधी और तीसरी खड़ी बोली। ये तीन आपकी लैंग्वेज जो है निकल के आई। ब्रज भाषा और अवधी का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ और तत्कालीन जो आपकी ब्रज भाषा साहित्य में कुछ देशी राजाओं का संरक्षण मिल गया उनको, ठीक, जो देशी राजा रहे उन्होंने अपने यहां उन कवियों को संरक्षित किया। आगे क्या हुआ, इनके अतिरिक्त मध्यकाल में खड़ी बोली के मिश्रित रूप का साहित्य में प्रयोग होता रहा। इसी खड़ी बोली का 14वीं सदी में दक्षिण में प्रवेश होता है, अतः वहां इसका साहित्य में अधिक प्रयोग हुआ खड़ी बोली का। 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण मिला, और जब इनको मुसलमान शासकों का संरक्षण मिला तो वहीं से रचनाओं में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है और वहीं से खड़ी बोली भी आपकी क्या होने लगती है, विकसित होने लगती है। अब इसमें रचनाकार को देख ले तो रचनाकार, चूंकि अब भैया तीनों बोलियां आपकी चली हैं तो तीनों के रचनाकारों को देखना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं ब्रजभाषा में, हिंदी के मध्यकाल में मध्य देश मतलब अब समझते हो, यह पूरा अपना वाला मध्य देश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह ब्रजभाषा ने किया। वह अपने समय की परिनिष्ठित एवं उच्च कोट की साहित्य क्या रही, भाषा थी, जिसको गौरवान्वित करने का श्रेय हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों को है। ब्रज भाषा, जाहिर सी बात है, ब्रज में रचनाएं प्रारंभ हुई तो जो आपके कृष्ण भक्त के कवि थे वहीं से रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। जब हम बात कर लेते हैं पूर्व मध्यकाल का, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं, याद रखिएगा, इसमें कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में ब्रज भाषा का चरम विकास किया, ठीक है। इसकी पुष्टि इनमें कौन कौन से प्रसिद्ध आएंगे, एक तो पुष्ट मार्ग जिनको हम शुद्धा जो है द्वैतवाद संप्रदाय बोलते हैं, इसके सूरदास, यानी इन्होंने रचना कर दी सूर सागर की, ठीक। दूसरा नाम मिलेगा नंददास का, निम्बार्क संप्रदाय में देख लो तो मिल जाएगा नाम श्री भट्ट का, चैतन्य संप्रदाय के अगर लोगों को देख लो तो जो है गदाधर भट्ट का नाम मिलेगा, राधा बल्लभ संप्रदाय में अगर देखो तो नाम मिल जाएगा हित हरिहंस का, ठीक है, इनको श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार मानते। यम संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में रसखान मिल जाएंगे, मीराबाई मिल जाएंगी, ये सभी जितने भी आपके कवि रहे इन लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा में जितनी रचनाएं की उसमें ब्रजभाषा को इतना लोगों आम जनमानस के बीच में प्रसिद्ध बना दिया कि क्या बताया जाए। धीरे धीरे, ठीक, आप जानते ही जानते हैं इनमें जितने भी आपके कवि हैं उनमें सूरदास क्या है, इनको अष्टछाप का जहाज बोला जाता है। पूछता है प्रश्न कि सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, इस चीज को दिमाग में बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं भैया, उत्तर मध्यकाल की बात करें तो पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल होता है और उत्तर मध्यकाल ये क्या होता है, ये रीतिकाल होता है। इसमें रीतिकाल में जो है अनेक आचार्य मिल जाएंगे, कवि मिल जाएंगे, इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं प्रारंभ की, ठीक। उसको रीतिबद्ध का मतलब, जो ये रीतिकाल बोला गया, रीतिकाल मतलब रीतिबद्ध, ठीक, इसमें रचनाओं को बड़ी अच्छे ढंग से लिखा गया। इसमें जो है केशोदास मिलेंगे, मतीराम मिल जाएंगे, बिहारी देव मिल जाएंगे, पद्माकर मिल जाएंगे, भिखारी दास मिल जाएंगे, केशव ठाकुर मिल जाएंगे, सेनापति हो जाएंगे, ठीक, ये सारे जो रचनाकार हैं, ठीक, इनको रीतिबद्ध बोलते हैं। और एक आपके रीतिमुक्त थे, ठीक, मतलब जो सब कुछ फ्री होकर चले, उनमें घनानंद हो गए, आलम हो गए, बोधा हो गए, ठीक है, ये सभी लोगों ने ब्रज भाषा को बड़ी लक्षणिक तरीके से जो है रचनाएं इनमें प्रारंभ की। तो वहीं से मध्यकाल में और भाई विकसित होगी, जाहिर सी बात है। ये बात थी कब की, रीतिकाल की। रीतिकाल में जैसे भक्तिकाल से रीतिकाल में आए तो वहां पर जो है धीरे धीरे साहित्य में उत्कृष्टता आने लगी। अगली चीज बढ़ते हैं, अवधि क्षेत्र में देख लें। अवधि में को जब साहित्यिक भाषा के रूप में अगर प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाएगा तो सबसे पहले अपने यहां सूफी या प्रेम मार्गी जो कवि रहे उनमें जाएगा। इन्होंने ही रचना, जैसे एक आपके थे कुतबंद जिन्होंने मृगावती की रचना की, फिर जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की, ठीक, तो उत्तर भारत वाले आज से नहीं बहुत दिन से इन सारी चीजों में मदमस्त हैं।
एक मंझन थे जिन्होंने मधुमालती की रचना की, आलम थे जिन्होंने माधवानल काम कंदला की रचना की, उस्मान थे जिन्होंने चित्रावली की रचना की, ये सारी रचनाएं पूछी गई भैया। नूर मोहम्मद जिन्होंने इंद्रावती की रचना की, कासिम शाह जिन्होंने जो है हंस जवाहिर की रचना की, शेख निसार जिन्होंने यूसुफ जुलेखा की रचना की, अली शाह जिन्होंने प्रेम जिंगारी की रचना की, ये जितने सूफी संत हैं, सूफी कवि हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं से अवधि को एक बड़ा जो है स्थान दिला दिया, क्योंकि इनको संरक्षण भी, अब जाहिर सी बात है, ठीक, यहाँ के जो नवाब थे इन लोगों ने इनको संरक्षण भी दिया, तो ये जो धीरे धीरे अवधि आपकी बढ़ने लगी, क्योंकि इसमें रचनाएं बहुत मिलने लगी। आगे बढ़ते हैं और इसी में एक नाम जुड़ जाता है, किसका, गोस्वामी तुलसीदास जी का, और उन्होंने रचना कर दी रामचरितमानस की। तो ये बैसवाड़ी अवधि में करके इन्होंने अवधि भाषा को एक नई साहित्यिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। रामचरितमानस की जब रचना हो गई तो जाहिर सी बात है हिंदी अवधि जो है अपने आप में बहुत ऊपर पहुंच गई। इसके बाद मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष दो कवियों का मेन है, एक तो आपका इनका जायसी का और दूसरा तुलसीदास का। जायसी के यहां अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप मिलता है, जो गांव में रूप चलता है अवधि का, और तुलसी के यहां अवधि का तत्सम जो है तत्सम मुखी रूप मिलता है, ठीक, गुहारी गुआरी इस तरीके से जो रही उन चीजों का प्रयोग यहां मिलता है। खड़ी बोली, मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदल के दक्कनी हो गया, दक्कन बीच का जो आपका है डेक्कन प्लेट्यू पढ़ते हो वो, ठीक। इस मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हो गए, एक तो उत्तरी हिंदी, दूसरी जो है दक्षिणी हिंदी। ये चीजें इसमें जो रचनाएं हैं खड़ी बोली में, उस समय जो है भैया आपको कबीर मिल जाएंगे, नानक मिल जाएंगे, दादू मिल जाएंगे, मलुकदास मिल जाएंगे, रज्जम मिल जाएंगे, ठीक, गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा मिल जाएगी, ये सारी रचनाएं बहुत सारी आने लगी थी। तो ये सब आपके मध्यकाल की थी। अब आधुनिक कालीन हिंदी, इनके बारे में चर्चा हम कल करेंगे, इनसे और सारी चीजें जो है उनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारी चीजें, ये लेक्चर आपका 2-3 कम से कम चलेगा, तो इनको ऐसे ही पढ़ते रहिए जो चीजें समझ में आए हैं, क्योंकि 2-3 मार्क्स बनना है, और एक बार पढ़ लोगे तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ रिविजन देना है, समझना है, इसलिए एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इससे आगे, जस्ट तब तक के लिए धन्यवाद।